ये देख लो डेकोरेशन वाले और अभी बस वहाँ चैनल और शाम को ही मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि वो वाला व्लॉग शायद लंबा हो गया था और अब जो है ना खाना लेके जाऊंगी मैंने अम्मी को खिला दिया, मैं फ्री होगी और के लिए जाएगी खिचड़ी और बाकी के लिए रोटी तो वहाँ बन जाएगी बट मैं सब्जी यहीं से लेके जाऊंगी। दाल में ना तड़का लगना बाकी रह गया, बाकी सब हो गया। तो कपड़े सूख रहे हैं वो उतार देती हूँ। एमो चलिए बेटा चलिए। हेलो बेटू, लैपटॉप मिला हुआ पापा का, देखो। तो ये खाना ले लिया मैंने जच्चा बच्चा का, इधर कुछ नीचे रख दिया है और कुछ ये है और मित्तू ड्रॉप करने जा रहे हैं और एंड टाइम पे इन्होंने प्लान कैंसिल करवा दिया। क्या प्लान कैंसिल करवाया, मेरे को आज बिना एमी के सोना पड़ेगा और मैं सोच रही हूँ मेरे को पूरी रात नींद कैसे आएगी उसके बिना, क्योंकि ना पापा को जुखाम हो रखा है और जैसे कि आंस को भी एक दो दिन पहले फीवर था, आपको पता भी उसको लूज मोशन है और ये होता है कि अगर बच्चे को बुखार है तो दूसरे बच्चे को जल्दी पकड़ता और ऑलरेडी एमी अभी आप लोगों को पता है 10 दिन में उठा है, 10 से भी ज़्यादा ही दिन हो गए थे। तो मम्मी और ये बोले कि रिस्क नहीं ले सकते, पर टचवुड रात में ये है कि उसको मेरी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, मतलब दूध पिलाना है ऊपर का वो पिला देंगे मित्तू रात ना उठा के, और रात ना वो दुखी को नहीं करे, आराम से सो जाएगा और सुबह में फिर मैं अपने आप उसने मैनेज कर लूंगी। तो ये हुआ इन्होंने एंड टाइम पे, पहले तो मेरे को राजी कर रहे ले जे एंड टाइम पे कि पहले बोला ये तो दुखी होगी, अब बोले कि ना तो कितनी चमक दमक हो रखी देख लो, और वीकेंड पे तो यहाँ जगह नहीं मिलती। और ये मित्तू शुरू हुआ जब यहाँ कुछ नहीं था, खाली पड़ा रहता था और अब वही आना चाय की दुकान नहीं थी। हाँ बिल्कुल ऐसे भरता है मतलब जबरदस्त वाला। तू जा रहे हैं छोड़ के, बाय बाय। और की अंशी बेटी आ गई है, मैं ते मिलवाऊंगा। अच्छा कल मिली क्या गाड़ी से ना जाने दे कोई पीपी बजा रही थी, कल मिलवाऊंगी। अरे कला जा रही फिर एमी करा अकेला है। अच्छा अकेला था तो इधर लग रही हूँ मैं तैयारी में, देख लो एक तो ये दाल बन के आई है और एक ये पैक करवा के लेके आई थी और इसमें निधि बाबी की खिचड़ी है, इसमें अलग सब्जी है और इधर ना हल्की सी पत्ती डाल के ना दूध बॉईल करते हैं। तो ये हॉस्पिटल का सारा सामान रेडी हो गया, मम्मी और निधि कर भाई पानी पियो बाहर का कोनी पीवे, और ये रोटी सब्जी सारी ये भाई जा है चादर वादर लेके, सोनू भाई चला गया और एमी के लिए वो एमी निकल रहा है कि आंस के लिए दूध गर्म करा है, उसको दूध पिलाऊंगी और एमी को मैं खिला के आई थी वैसे, पर अभी तक सोया नहीं है वो, तो वैसे उधर पता नहीं मित्तू शूट करेंगे नहीं करेंगे। अम्मी के बिना मुश्किल है, बड़ा डिफिकल्ट है नहीं दाने आज, वो हर एक माँ समझ सकती है, जो माँ बन चुकी होगी ना उसको ये फीलिंग जरूर समझ आएगी कि अपने जिसके साथ डेली सो और बच्चा ना हो फिर नींद नहीं आती बच्चे के बिना। तो ये लगा दिया पापा का खाना, दाल दूध रोटी और सैलड। यहाँ पे ना कैंसी बेटी को मैंने दूध पिला दिया, अब बुआ बेटा दोनों मस्ती करेंगे और एमी को उसके पापा सुलाने लग रहे, कॉल किया था और यहाँ पापा जी अपना कर रहे हैं डिनर, मेरे को भूख रही है अभी। राम राम करते सबको, मामा बुआ कहाँ है, बुआ बोला बुआ। ये देख लो डेकोरेशन वाले भैया भी आ गए हैं, रात के अगर मैं टाइम दिखाऊँ ना तो ये देख लो क्या अच्छी बेटी, टाइम हो गया भाई पूरा का पूरा 10:45 हो गए हैं। ओके आज के टाइम में भी मन्ना रिन के फूफा जी ने मतलब मित्तू ने करवाई थी हमने, कि मतलब एक वो होता है ना कि मतलब नया भी आ गया तो उसका तो वेलकम बहुत अच्छे से होना चाहिए, तो अब की बार भी उनने नहीं पता किसी ने भी, और सोनू भाई ने भी नहीं पता, सोनू भाई मतलब खाना लेके गए ना उन्होंने तब भी उसका जिक्र नहीं करा, मतलब क्या कोई चीज का जिक्र कर देते ना तो उसका वो मजा नहीं है। और जब वो शाम को आएगा ना, क्योंकि कह रहा था कि अंश उसी के पास होता है सुनाना उसको पड़ेगा बाद में रात में दूध में पिला दूंगी, तो कह रहे उसका खुशी का ना मजा अलग ही हो जाएगा उसका। तो ये देख लो इतनी सारी हो चुकी है और भैया और को चाय पिला दी पहले मैंने, इतना मस्त लग रहा ना ये देखो, अभी दिखेगा आप लोगों को। और अभी बस वहाँ पे शुरू कर रहे हैं वेलकम वाला लगाने की, निधि भाभी खुश हो जाएगी। अब की बार ना भाभी को हल्का हल्का डाउट ये लग रहा था कि डेकोरेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि जैसे उनको पता चला ना कि अर्ली मॉर्निंग छुट्टी है तो उसका ना सैड सा मुंह होगा पा कि अब की बार तो वेलकम तो नहीं होगा जैसे पिछली बार हुआ था, और उसको पता नहीं उसकी नड़न जितना बाद रात में भी करवा देगी। थक गई है आज पूरा दिन, कमर नहीं सीधी हो गई।
खुश हो जाएगी, अंदर से खुशी होती है। कियांशी सोई सोई नहीं करनी की बेटी। हेलो कियांशी बोले। तो ये भैया लेट नाइट, देखो थैंक यू सो मच भाई। ये देखो यहाँ लग गया है, वहाँ लग गया है, यहाँ लग गया, अब यहाँ नहीं लग रहा। भैया एक बार टेप चिपकाना क्या हुआ यहाँ, ये भी आप लोग देखना क्या होगा। ये चिपक ही नहीं रही है, ये तुरंत ही उतर जा रहा है। ये पता नहीं ज़्यादा मिट्टी सी है यहाँ तो ये लग नहीं पा रहा, तो इसलिए रात में डर भी है मुझे बहुत ज़्यादा उतरना चाहिए, पर भैया गारंटी ले रहे नहीं उतरेगा। तो ये देखो ये हो गई है हमारी पूरी डेकोरेशन, अच्छे वाली कती बढ़िया वाली। और एम ही सो गया, उसके पापा ने सुला दिया, बात हो चुकी है, और इसको अब खाना खिला के इसको भी सुला रही हूँ मैं। तो इसको ना सुलाने की कोशिश कर रही हूँ, पालने में इसके पापा आने से पहले ये सो जाए, कोशिश ये है। और मैं और पापा ना अपने बातें करने लग रहे हैं, मतलब ऐसे ही पापा बेटी बतलान लाग रहे हैं। तो मैंने ना एम कियांश बेटा को सुला दिया है, और वो कह रहे थे कि ये सोएगा डी, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। खिला भी दिया, दूध भी पिला दिया, रोटी भी खिला दिए, और ये देख लो सो भी गया। खावे तो बेचारा इतना गया, इसकी डाइट भी ना कती, पर यूँ है खिला दिया और अब सो गया मेरा बेटा। गुड नाइट लड्डू। तो मैं ना वेट कर रही हूँ सोनू भाई का, कि एक बार वो आ जाए और उसको जो है ना खाना खिला दूँ और फिर सो जाऊँ। और मन ने तो खुशी खुशी के चक्कर में भूख नहीं लगी, मैं घर पर गई थी ना जब कितना बजे रहे थे, शायद 5-6 का टाइम था मेरे ख्याल से, तो उस टाइम उन्हें थोड़ा दलिया खाया था। और अब रात के 11:30 हो गए, 11:26 पापा ने फ़ोन उठाया भी, तो बस मैं और पापा वेट कर रहे हैं भाई आ जाए उसके बाद सो जाए। वो जच्चा बच्चा ने खाना खिलाने जा रहा था, मेरा बेटा इधर से हो गया, और मैं और पापा मार रहे हैं दोनों गप्पे। बाहर डेकोरेशन किसी लगी फिर बेबी की? बढ़िया लगी। अब सारे न्यू कहेंगे कि आंस के टाइम में भाई वैसे ही करवा दी थी, इसके टाइम में फूला वाली क्यों नहीं करवाई? क्योंकि जो फ्लावर वाले मतलब ये जो भैया थे ना, ये बोले अगर आप सुबह करवाते ना तो फायदा है, क्योंकि ना फिर पूरे मुरझा जाएंगे रात भर में। और ऊपर तक की आंस जो कर जिस उस टाइम तो हमने थोड़ा डिजाइन सा बनवा दिया था, थोड़ा आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, यो मुश्किल था पापा ने रोके इतनी देर में करके गए बलून टावर फोड़ दे, वो कह रहे अंकल जी ले जाओ इसने अंदर फोड़ दिए सारे बलून, कई सारे बलून फोड़ दिए। तो पापा बोले भाई नॉर्मल करवा लो, फ्लावर वाला छोड़ दो, तो इसलिए नहीं करवाया वो, बाकी और सारी चीज़ें करवा दी है। आप लोगों को कैसी लगी डेकोरेशन जरूर कमेंट करके बताना, और ये छोटे मोटे सरप्राइज भाभी तो ही देते रहे करो भाई, और खासकर इस टाइम में तो, ताकि उसने अंदर तक खुशी हुए वो खुश रहनी चाहिए भाई। रही भी फोड़ गया। हाँ, चलता चलता चलिए साथ करते हैं व्लॉग का एंड, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।